भाई साहब ये क्या चीज है, 2 GB RAM 4 GB RAM इतना आसान है रैम बढ़ाना, और यहाँ देखिए 16 GB RAM इंक्रीज, खतरनाक। सो गाइस कैसे, तो आप लोगों के ना बहुत सारे कमेंट्स रहते थे, भाई मेरा गेम लैग कर रहा है, मेरा फ्रेम ड्रॉप बहुत देखने को मिल रहा है, FPS अचानक ड्रॉप हो जा रहा है, तो किसी का फ़ोन हैंग कर रहा है, किसी का रैम काफ़ी कम है, कोई कोई के फ़ोन में 1 GB RAM है, 2 GB RAM है, 3 GB RAM है, तो उनका रैम कैसे इंक्रीज हो। देखिए ये एक हार्डवेयर वाला चीज़ है, ये मतलब रैम इंक्रीज नहीं हो सकता, बट हाँ ये ऐसा है कि आपका रैम काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर देगा। एंड हाँ एक ऐप भी बताऊँ जिससे आपका रैम इंक्रीज भी फील होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो आपका स्टोरेज से कुछ GB लेगा ये एप्लीकेशन एंड इसको आपका कन्वर्ट कर देगा रैम में, जिससे आपका काफ़ी ज़्यादा मल्टीटास्किंग में इंप्रूव हो जाएगा। एंड गेमिंग का जो लैग का प्रॉब्लम था, फ्रेम ड्रॉप का प्रॉब्लम था, सब कुछ एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएगा, सारा सेटिंग एंड एप्लीकेशन क्या सब कुछ बताऊंगा। वीडियो कंप्लीट देखिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो सबसे पहला चीज़ एकदम लाइन बाय लाइन बताता हूँ। देखिए आप लोगों के हर मोबाइल में आजकल क्या एक एप्लीकेशन रहता है आई मैनेजर या कोई मैनेजर करके, जिसके अंदर जंक फाइल कैच वगैरह क्लीन करने का चीज़ मिलता है, तो वो वाला एप्लीकेशन को खोलिएगा, जैसे इसके अंदर आई मैनेजर है। एंड यहाँ देखिए आपको ऊपर क्या ये जंक वाला ऑप्शन, आपका मोबाइल में ना बहुत सारे जंक्स भर जाते हैं, हर ऐप से कुछ ना कुछ कैच निकल जाते हैं, तो इसको सबसे पहले स्कैन करेगा एंड उसको पहले क्लीन कर दिया। देखिए 2.46 GB, ये सब भी जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा मोबाइल को स्लो कर देता है, एंड हम एकदम ध्यान नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, एंड अचानक टाइम टू टाइम लगता है ना मोबाइल काफी स्लो हो गया, तो यही एक रीजन यहां देखिए क्लीन्ड हो चुका है 2.46 GB। एंड ऑप्टिमाइज का ऑप्शन आएगा, तो ऑप्टिमाइज भी एक बार मार दीजिएगा, सारा कुछ चेक करके ऑप्टिमाइज भी थोड़ा मतलब रैम को बूस्ट कर देता है, जो भी ऐप अंडरग्राउंड बैकग्राउंड में चलते रहते वो हटा देता, किल कर देता है। और हाँ हर एप्लीकेशन में आजकल गेम बूस्टर दे रहा है, ये सब आई मैनेजर में गेम बूस्टर वाला ऑप्शन रह रहा है, तो उसको इनेबल रखिएगा कि कोई भी गेम आप ओपन करिएगा तो आपका गेम डायरेक्टली गेम बूस्टर से होगा, मतलब सारा रैम को क्लीन करके आपका गेम आएगा, जिससे आपका हैंग वाला जो प्रॉब्लम था ना, फोन लैग करने वाला, ये प्रॉब्लम आपका फिक्स हो जाएगा। अब चलिए कुछ सेटिंग्स बता देता हूँ जो सारे गेमर्स यूज करते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं बट सारे गेमर्स ये फोन में ये सेटिंग जरूर किए रहते हैं, इवन मैं भी किया हुआ हूँ, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अबाउट फोन में जाना है आप लोगों को सिंपल, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में बिल्ड नंबर करके, बिल्ड नंबर पे आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपल 7 बार टैप करिए आप, यहाँ पे देखिए आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, ये ऑप्शन इनेबल होगी। अब क्या करना है, सर्च बार पे डेवलपर ऑप्शन सर्च करिए, नीचे ये आपको कुछ कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, नीचे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। सबसे पहला सेटिंग यहाँ पे आ जाता है इनेबल GPU डिबग लेयर, ये वाला सेटिंग जो है ना, ये आप जानते हैं एक CPU होता है फोन में, एक GPU होता है, GPU का काम रहता है गेमिंग के टाइम में ना, जो ग्राफिक्स फ्रेम ड्रॉप वगैरह देखने को मिलता है ना, सबसे ज्यादा काम आता है GPU का यहाँ पे गेमिंग के टाइम में, तो GPU डिबग लेयर इसको इनेबल रखिएगा, सारे गेमर्स इनेबल रखते हैं जिनका मतलब फोन में उतना ज्यादा मतलब फीचर्स नहीं दिया गया। दूसरा चीज नीचे ये यहाँ ग्राफिक ड्रिवर प्रेफरेंसेस है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी गेम्स आप खेलते हैं, जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट में सेट रहता है, यहाँ जैसे मैं बैटल ग्राउंड इंडिया खेलता हूँ, तो यहाँ सिस्टम ग्राफिक्स ड्राइवर है या गेमिंग ड्रिवर प्रेफरेंसेस कुछ भी होगा गेमिंग से रिलेटेड या सिस्टम ग्राफिक्स, इसको आप बस सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। कोई कोई में अलग अलग ऑप्शन आते हैं ये वाले चीज में। उसके बाद नीचे आना, यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है जिससे आपका मोबाइल काफी फास्ट आपको फील होगा, जी हाँ एनिमेशन, इसके लिए जो एनिमेशन रहता है ना, इसको आपको 0.5 कर देना, सारा तीनों एनिमेशन को 0.5 कर दीजिए या ऑफ कर दीजिए, इससे आप देखिए ना मोबाइल मतलब ना काफी फास्ट होगा, मतलब जो एनिमेशन एकदम स्लो कर लगता था ना फोन कि फंस रहा फोन, अब एकदम लगेगा अरे यार तुरंत तुरंत खुल रही है, काफी मजा आएगा देखने में अभी। उसके बाद एक और सेटिंग है बस यहाँ पे, फोर्स 4X MSA, ये वाला सेटिंग सबको इनेबल रखते हैं। ये सेटिंग का काम ही है ना आपका रैम को पूरा निचोड़ के आपको देना, मतलब रैम को पूरा यूज कर लेना एक ही ऐप में, जो भी ऐप आप यूज कर रहे हैं, जिससे आपको गेमिंग काफी स्मूथ देखने को मिलेगा एंड गेम एकदम मक्खन। और एक बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट रहता है, तो जिनका अगर 1 GB या 2 GB RAM फोन है उनके लिए ये है, यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट सेट रहता है, स्टैंडर्ड लिमिट को हटा के एटमोस्ट 1 या 2 कर दीजिए, कि एटलीस्ट कम से कम 2 ऐप आपका बैकग्राउंड में चलते रहे, ठीक है, एक गेम चल रहा है तो एक कुछ और भी एप्लीकेशन चलते रहे जिससे मल्टीटास्किंग कर सके, एंड जिनका रैम अच्छा है स्टैंडर्ड में ही सेट रहने दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट वो एप्लीकेशन बताता हूँ जो मतलब रैम इंक्रीज करता है, मतलब दावा करता है एकदम एक्चुअली में आपका रैम इंक्रीज नहीं कर देता, बट आपको काफ़ी ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा पहले से एंड ये एप्लीकेशन यूज करने के बाद। मैंने खुद ये मोबाइल में माइक्रोमैक्स का मैं ट्राई किया, मुझे यार मल्टीटास्किंग एकदम मक्खन जैसा हो रहा था। मोर रैम आप बस प्ले स्टोर पर सर्च करिए, यहां देखिए मोर रैम सिमुलेटर करके एक आ जाएगा 100K+ डाउनलोड से, ठीक है। एंड इसका रेटिंग भी आप देखिए ना, काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा मतलब यहाँ के दिए, कोई कोई तो 1-1 रेटिंग दिया, बट काफ़ी लोग यहाँ 5-5 का रेटिंग दिया, मतलब काफ़ी वर्क किया,
मैं भी चलिए ट्राई करके देख लेता हूँ। एंड लिटरली मैंने ट्राई किया था, अच्छा चल रहा था। मैं दिखाता हूँ, ऐप डाउनलोड कर लिए, सिंपल 3.5 MB का, 3 MB का ऐप है, ठीक है। ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा, ऐप को ओपन करिए, ठीक है। आपको सबसे पहले डाउनलोड मोर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, 2 GB रैम, 4 GB, 8, 16, 32, 64 इतना है। बट आपको क्या करना है, 2 GB, 4 GB लेना है या 8 लेना, ठीक है। और मोबाइल थोड़ा सा अच्छा सपोर्टेड है तो 16 GB लीजिएगा, 16 GB से ज़्यादा मत लीजिएगा। मैं 16 GB टाइटल रखा था, 16 GB लेके दिखाऊंगा। डाउनलोड मोड पे क्लिक करिए, थोड़ा बहुत ऐड आएगा तो स्किप कर दीजिए, ठीक है। ऐड स्किप कर दीजिए, उसके बाद यहाँ लोडिंग लेना शुरू हो जाएगा। ये मत सोचिएगा आप 16 GB आपका डाउनलोड लेगा डेटा खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बस एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस दिखा रहा है कंप्लीट हो रहा है, मतलब आपका थोड़ा सा ना स्टोरेज जो मोबाइल का रहता है ना उससे थोड़ा सा जगह ले लेता है, कुछ कुछ 1 GB 2 GB स्टोरेज लेके आपका रैम में थोड़ा सा इसको डाल देता है। मतलब ये एप्लीकेशन कुछ ऐसा काम करता है जिससे इनहेंस होता है, वर्क कर रहा था। देखिए यहाँ 100% लगभग हो गया, टिक आया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सक्सेसफुली डाउनलोडेड। स्वीट पे क्लिक कर दीजिए, मीठा हो गया आप लोग। सॉरी, मेरा मतलब स्विच पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आप चलिए बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं एंड देखते हैं मल्टीटास्किंग कैसे हो रहा भाई ये फोन में। चलिए क्रोम खोल लिए, प्ले स्टोर खोल लिए, क्रोम, चलिए आई मैनेजर। तो अब यहाँ देखिए, अरे भाई, अरे देख रहे, मतलब भाई फोन काफ़ी ज़्यादा मतलब यहाँ पे फील हो रहा था, मतलब पहले से बेहतर हो गया, मतलब तुरंत तुरंत मतलब ऐप लोड लेने लगता था, अभी कोई भी ऐप लोड नहीं ले रहा। बट हाँ, यहाँ गेम ओपन करेंगे तो गेम तो लोड लेगा यार, उतना मतलब कैपेबल नहीं रहता ये सब फोन्स। तो ट्राई कर सकते हैं आप ये वाला एप्लीकेशन, एंड जो सेटिंग्स बताया वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इससे फर्क नहीं पड़ता आपको कुछ तो ये ऐप अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, बट मुझे यहाँ थोड़ा सा इंप्रूव लगा था। सो आई होप वीडियो मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी काफी सारे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। मिलते कोई और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय हिंद।